बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मोहम्मद सजाद मिठू साहब, जो कि 243 गाह बे कल्याणपुर, जो कि हमारा मेन कपास का एरिया है, इसके फार्मर हैं। ये चक है जहाँ पे ज़्यादातर कपास जो है वो गंदम के बाद लगती है, और ये भी गंदम के बाद लगी हुई है। माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर निगहदाश्त करते हैं। अब इन्होंने 2002 में ये ड्रम जो है ना, ये ज़मीन में दबाए थे कबाड़ से लेके। अब भले थोड़ा बहुत लीक भी हो, आप उसको बाहर से ठीक कर लें, जब ज़मीन में उसकी लीक ख़त्म हो जाएगी लीकिंग, तो ऐसे ड्रम जो हैं वो दबाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ड्रम जो है ना, इन्होंने ऐसे दबाए हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब साथ ये खाल चल रहा है, तो जब पानी आता है तो इस ड्रम में ये पानी मुस्तकिल भर लेते हैं। स्प्रे के लिए फिर इधर उधर से इनको ना पानी लेना नहीं पड़ता, और इसका सबसे देखें कि ज़मीन खाल का जो पानी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पानी जो है खाल का पानी, जिसमें मिट्टी वगैरह मिली हुई होती है, तो जो लफ्ज़ एक सेडिमेंटेशन है, उस सेडिमेंटेशन की वजह से ये पानी जो है वो बिल्कुल, आप देखें कि बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है, और जितना मिट्टी की खुराक है वो भी इसमें आ गई है। जो मिट्टी के ज़रात थे जिन्होंने आपके स्प्रे के असर को काम करना था, वो ख़त्म हो गए। ये देखें कि ये पानी जो है बिल्कुल शफाफ है, ये पानी, ये बिल्कुल शफाफ पानी है। ये आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ आपको पानी के अंदर भी नज़र आ रहा है कि बिल्कुल शफाफ पानी है। इस तरह से जो मिट्टी मिले पानी से स्प्रे के असरात केमिकल रिएक्शन से कम होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आपको बेहतरीन नहरी पानी हर हमा वक्त दस्तयाब रहता है। तो ये देख लें कि इन्होंने, मेरा ख्याल हर एकड़ में कितने ड्रम ये रखे हुए हैं तकरीबन? ये 2-2.5 एकड़ के लिए एक ड्रम है। अच्छा, 2-2.5 एकड़ के लिए आपने एक एक ड्रम रखा हुआ है। लेकिन ये तो मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल सामने चार ड्रम पर पड़े हुए हैं। ये सामने इसलिए कि ये खाल है, खाल है, और इधर से सारी स्प्रे होती है, इधर से सारी स्प्रे होती है। यानी एक तो स्प्रे मैन के लिए आसानी, हमा वक्त पानी दस्तियाब, और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो पानी, बेहतरीन पीएच का पानी जो है वो दस्तियाब है। तो सजाद मिठू साहब, आप इस सिलसिले में कोई बात करना चाहें अगर? सर, ये मियां नसार साहब हमारे दरियादा फीसद से, ये 2002 में वो ना उन्होंने मशवरा दिया था कि आपको पानी भी मुयसर होगा, और वो पानी मुयसर होगा जिसकी रिकमेंडेशन कंपनियां करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसकी आइडियल पीएच हो, आइडियल पीएच हो 6 से 8। यानी जब पानी की पीएच नॉर्मली 7 के राउंड अबाउट होती है। सर, हमारे ट्यूबलों की पीएच 7, ट्यूबलों की तो बहुत तो और चीज़ है, ये जो पानी नहरी पानी होता है, इसकी पीएच तो 7 के राउंड अबाउट, 6-8। नहर के पानी से भरे हैं तो ठीक है ना, अगर हम घर से लाएंगे या नलके से करेंगे, उसकी तो पीएच बहुत ज़्यादा, हज़ार सी बात है। ये तो आप नहर के पानी से भर। चलिए जी, अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी और नासिर हो, फी अमान। अब तो हमारे सारे गांव ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, पूरे कल्याणपुर में ऐसे लोगों ने करे ड्रम रखे? कोई जिम्मेदार होगा जिसने अडॉप्ट नहीं किया, बाकी अच्छा पूरे चक ने इसी तरह ड्रम रखे तकरीबन, जितने जिम्मेदार हैं बड़े उन्होंने सब ने रखा। चले जी, आप सर अपना जरा तारफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद सईद अख्तर है जी। अच्छा अच्छा, मैं सजाद मिठू के साथ वाला जो रकबा वो मेरा है। वो तो मैं पीछे कपास आपकी देख के आया हूँ। तो आप कोई किसी महकमे में थे? जी, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा, रिटायर्ड टीचर है। चलें, तो इस साल कपास जो है मजमूई तौर पे पिछले साल की निस्बत कैसी है आपकी नज़र में? ये कल्याणपुर की हमारी तो बेहतर है जी। अच्छा, आपकी जनाब? जी बेहतर है, ठीक है, शुक्र अल्लाह। पिछले साल साहब, पिछले साल भी आपकी कपास तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस साल क्या अमकान है? इस साल थोड़ा सा आपकी कपास लेट नहीं है? लेट है, गंदम की कहाँ चल, हाँ लेट है। पिछले साल तो आपकी खेती कपास भी बहुत अच्छी। चलें जी, अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी और नासिर और फी अमानुल्लाह।